हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुष्पा ब्लॉग्स। तो आज मैं बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि सारे जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ बहुत ही यूजफुल हैं। स्किप कीजिएगा तो वीडियो मिस हो जाएगी आपसे। तो सबसे पहला टिप जो मेरा है वो देखिए, ये बास्केट को लेके है। ये बास्केट मैं लेके आई थी पूजा के लिए, कपड़े रखती थी भगवान का, लेकिन अब मुझे इसको चेंज करने का मन हो रहा था। जैसे कई बार होता है ना कि सामान तो लेके आ जाते हैं, फिर मन होता है कि चलो अब इसको हटा देते हैं, मुझे दूसरा लाना है। तो इसका क्या करें, जो तो इसको वेस्ट भी नहीं किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा इसका मैं यूज बताने वाली हूँ। तो इसको मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट बास्केट। आपने शॉप पे देखा ही होगा मॉल वगैरह में कि जो फ्रूट बास्केट मिलते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो जब आपके पास इस टाइप के कोई बास्केट घर पे हैं तो उसको आप क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। और फ्रूट बास्केट जो आते हैं मार्केट में उसमें कोई ऊपर से ढक्कन भी नहीं होता है, और इसमें तो मेरा ढक्कन भी है साथ में, और इसमें बहुत सारे फ्रूट आ जाते हैं। पपीता वगैरह बड़ा वाला जो साइज़ का आता है वो भी इसमें आ जाता है। जैसे फ्रिज में तो आप रखते हैं, देखिए मैं दिखा रही हूँ, ढक्कन भी है साथ में। तो जैसे फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज के फ्रूट डायरेक्ट निकाल के नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना चाहिए। तो अब बाहर रखेंगे आप तो उसमें छोटे छोटे कीड़े उड़ के बैठने लगते हैं फ्रूट के ऊपर। तो इस टाइप के जो आपके पास बास्केट हैं ढक्कन वाले, उसको फ्रूट बास्केट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। और मैं जैसे जूस बनाने के लिए मौसमी और संतरे को छील लेती हूँ और इसमें ही रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा जूस भी पीना सही नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैं रख देती हूँ इसमें, और बस इस तरह से मैंने ढक दिया और ये बन गया। कहीं भी रख सकते हैं आप फ्रूट बास्केट बना, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। ये मैंने वीडियो आपको शेयर भी किया था, आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। जो खड़े खड़े जो अनाज है उसमें तो आप ये डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको रवा में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने पारे और सीमेंट से, पारे और सीमेंट का ये मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। इसी वीडियो में मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, और ये जो अनाज है, खड़े अनाज में मैं डाल के रखती हूँ, चावल दाल और जितने भी खड़े अनाज है उसमें मैं डाल के रखती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा मतलब दवा है ये अनाज के लिए, क्योंकि ये 2 साल तक आप इसको यूज करो, घर पे बनाओ आराम से, और 2 साल तक आप इसको अनाज में रखेंगे तो आपका अनाज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं 25 किलो का चावल लेके आती हूँ, चावल का ड्रम भी है मेरे पास, तो 2-3 इस तरह की टिक्की मैं उसमें भी चावल में डालती हूँ। तो इस तरह से आप रखिए, और कोई भी दवा की आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने एक बार इस दवा को। तो इसी तरह से मैं सारे दाल में डाल के रखती हूँ, अलग अलग दाल रखती हूँ, मिक्स करके नहीं रखती हूँ दालों को। और मूंग दाल में भी मैंने रखा है इसको, मूंग दाल तो और जल्दी ख़राब होने लगते थे। ये देखिए मेरे पास काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ है, नॉनस्टिक कढ़ाई है ये, लेकिन ये काफ़ी पतला है। शुरू में मैंने लिया था तो उतना ध्यान नहीं रहा तो मैंने ले लिया था, लेकिन इसमें कुछ भी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी पतली इसकी जो सतह है काफ़ी पतली है, कुछ भी बनाओ तो जलना शुरू हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इसको क्या करूँ, इसको बेचूँगी तो भी कुछ खास नहीं मिलने वाला है, तो इसको कुछ यूज कर लिया जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका जो हैंडल है दोनों हैंडल को निकाल दूँगी और तपेले के रूप में यूज करूँगी, जैसे आटा वगैरह लगाने के काम में भी आएंगे। और भी बहुत यूज कर सकते हैं आप अपने अनुसार से, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी है, तो बड़ा सा ये टोपिया जैसा बन जाएगा, तो उसको इसी तरह से मैं यूज करूँगी। और दिवाली की सफाई कर ही रही हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़े हुए रहते हैं बहुत दिन से, तो इस तरह से मैं सोच के उसको यूज कर रही हूँ। तो जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, वो है अलमारी को लेके। ये तो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और इसमें काफ़ी आवाज़ आती है। कभी आपने देखा ही होगा कि गेट जो है डोर खोलते टाइम में आवाज़ आती है, मैं दिखाती हूँ एक बार आपको, देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, आवाज़ आती है, साइड टच होता है या फिर कुछ भी कारण हो। तो देखिए इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो ये आवाज़ आना बंद हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे स्क्रू है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी है, 3 जगह है। तो तीनों में मैंने देखिए, ये नारियल का तेल है, ये नारियल का तेल है, तो यही डाल दिया मैंने। सरसों का तेल आप मत डालिएगा, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है, नहीं आएगी। बंद करने पर तो आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन खोलने पर आती थी, देखिएगा, देखिए थोड़ा भी आवाज़ नहीं आया अभी। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है।
तो आपसे अभी कभी भी आपके कोई भी डोर में आवाज़ आती है तो नारियल का ऑयल डाल दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये टिप आप ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो इसमें देखिए, मैंने एक बॉटल लिया है, स्प्रे बॉटल पुराना है मेरा, तो इसमें मैंने लिया है आधा पानी और 5-6 ढक्कन मैंने लिया है इसमें फिनाइल, और स्प्रे बोतल का मैं ढक्कन लगा देती हूँ। ये देखिए अब इसको मैं क्या यूज करने वाली हूँ, देखिएगा आप सब, बहुत ही अच्छा टिप बता रही हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, बाथरूम में आपने देखा होगा कि कॉर्नर पे, सबसे ऊपर में कॉर्नर पे छोटे छोटे कीड़े आके बैठते हैं कभी कभार, तो वो जाते ही नहीं है, पानी से मैं कितना भी धोती हूँ जाते नहीं है, कभी कभार आके उस पर बैठते हैं, क्योंकि बाथरूम होता है ठंडा, सेहत के कारण ये कीड़े आके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये स्प्रे जैसे मैंने बनाया बॉटल में, पानी और फिनाइल, कोई सा भी जो भी आप यूज करते हैं, फिनाइल, डेटॉल या फिर लाइजोल जिसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरह से बना के और बाथरूम में स्प्रे कर देना है, खास करके कॉर्नर पे, क्योंकि कीड़े वहीं पे आके बैठते हैं। तो थोड़ा पूरे में भी आप स्प्रे कर दीजिए, और जग से आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जग से नहीं हो पाएगा, इससे अच्छे से स्प्रे हो जाता है, और डेटॉल वगैरह है तो काफ़ी अच्छा है ये। और इससे क्या होगा कि बाथरूम में कोई स्मेल भी नहीं आएगी, तो आप अगली बार से ओडोनिल जैसे आप यूज करते हैं तो वो तो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और कॉस्टली भी आते हैं, तो इस तरह से इसको स्प्रे कीजिए, कोई सा भी फिनाइल आप यूज करते हैं। तो आई होप कि ये टिप आपको छोटा सा पसंद आपको आएगी। टेबल दिख रहा होगा और इसके ऊपर मैंने मिक्सर रखा है, तो जो ये टिप है बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है, तो देखिएगा। काउंटर टॉप पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और बार बार मैं साइड से निकालती हूँ मिक्सर को, और फिर से मुझे पीस के मसाला और उसको वापस से रखना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि कहीं पे इसको प्लेस कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर यहाँ पे एक बोर्ड है, तो यहीं पे मैंने इसको परमानेंट लगा दिया है ताकि मुझे बार बार मिक्सर को इधर से उधर नहीं करना पड़े। और ये एक टेबल नहीं है फ्रेंड्स, ये एक टिप है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या है। तो पहले मैं इसको हटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये क्या है। और इस पर मैंने एक कपड़ा बिछा के रखा है, तो देखिए ये है मेरे पास एक छोटी सी टंकी, जो आप अनाज वगैरह रखते हैं बड़ी टंकी होती है, तो मेरे पास ये छोटी सी टंकी है, तो यहीं पे मैं किचन में रखती हूँ इसको, और इसके अंदर मैं जितने भी ग्रोसरी आइटम लेके आती हूँ, ग्रोसरी के सामान लेके आती हूँ, इसके अंदर ही रख देती हूँ डायरेक्ट, ताकि मुझे फटाफट से उस समय उसको धो के और ट्रॉली में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से मैं इसी में डाल देती हूँ। और इसको मैंने कलर भी खुद ही किया है, अगर आपकी इसी तरह की कोई टंकी है टीन की, तो अगर ख़राब हो रही है तो उसको आप कलर कर सकते हैं घर पे ही, तो मैंने किया था, काफ़ी टाइम हो गए हैं, थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है कलर। और दिखा देती हूँ मैं, इसमें सारे ग्रोसरी आइटम मैं लेके आती हूँ, तो तुरंत में मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ, और इसको धो के ही रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह की टंकी या फिर आपके पास कोई भी ड्रम हो प्लास्टिक का, तो उसमें आप ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं, ताकि और जब भी आपको किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल के उस समय ही क्लीन करके और यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी, तो देखिए किचन में ही मेरा इस टाइप का टंकी है, तो इसमें ही मैं सामान भी रखती हूँ और इसके ऊपर मिक्सर भी रख देती हूँ। ये देखिए कपड़ा भी मैंने बिछा दिया और काफ़ी अच्छा भी लगता है, और पता भी नहीं चलता है कि ये टेबल नहीं है, और इसके ऊपर मैंने मिक्सर को रख दिया, तो ये बहुत अच्छा टिप है। तो सबसे बेहतरीन टिप्स मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास भी, जैसे आपने नया सोफ़ा ले लिया, इस टाइप का कोई भी सोफ़ा है आपके पास पुराना, तो उसको फेंकना नहीं है आपको, अगर बिक जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बिकता है तो इस तरह से फेंकना नहीं है। मैंने तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर लिया इसका, पहले मैंने सोचा कि इसका फोम तो न्यू है, तो फोम निकाल के मैं कुछ बना लूँगी, बेड जैसा भी बनता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हो तो जैसे नीचे वाला सोफ़ा बनता है ना, तो उस टाइप का ही बना लूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इसी तरह से चलाऊँगी। दोनों साइड ये हैंडल भी थे इसमें, दोनों साइड हैंडल थे, उसके कारण वजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसको मैंने हैंडल को निकाल दिया, और हैंडल में ही इसमें नीचे का पैर लगे हुए थे तो उसको निकाल दिया मैंने, तो सोफ़ा ये नीचे का हो गया मेरा, बहुत ही आरामदायक सोफ़ा बन चुका है मेरा। थोड़ा सा देखिए रेक्सिन सभी जगह सही है, लेकिन सिर्फ नीचे का ही थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़ा सा ही फटा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको मैं सोचूंगी कि किस तरह से करना है। और इसको मैं कपड़ा जब डाल देती हूँ, ये देखिए, तो बस इसको मैंने इसी तरह से सोफ़ा का कवर डाल के मैंने रख दिया है, और ये मेरा है ऊपर का रूम, जैसे इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं वही मैं रखती हूँ बस, तो ऊपर का रूम है, तो कभी छत पे आती हूँ तो ऊपर का भी थोड़ा बहुत अगर काम रहे तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, या फिर
बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए हो जाता है, तो इसको मैं क्यों फेंकूँ? इतना अच्छा जब मेरा यूज हो रहा है और कितना अच्छा नीचा वाला सोफ़ा बन गया है, तो इसके अंदर स्पेस भी नहीं है तो गंदगी भी नहीं जमेगी और क्लीन करने की भी झंझट नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह का सोफ़ा है तो आप फेंकिएगा मत, उसको यूज़ कीजिएगा। आप कहीं भी एक्स्ट्रा जगह जो भी आपके पास है वहाँ पे इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। कोई भी न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।